बरेली महापौर डॉक्टर उमेश गौतम और 80 पार्षदों ने बरेली क्लब ग्राउंड में शपथ ग्रहण की। उसी दौरान उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि नगरों में चुनी गई सरकारें बिना किसी भेदभाव और पारदर्शिता से विकास कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। यही नीति नगरों में चुनी गई सरकारें भी अपना पाएंगी। शनिवार दोपहर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी बरेली में आयोजित नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी पारदर्शिता बिना भेदभाव विकास कार्य में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि शहर को सजाने संवारने का संकल्प पत्र में दिया गया है, सारे विषयों पर काम होगा। आगामी 5 वर्षों में शहर उन्नत शहर के रूप में दिखाई देगा। ब्रज क्षेत्र क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने कहा कि हम जनता के भरोसे को कायम रखेंगे। बरेली क्लब मैदान में हुए मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, भाजपा पदाधिकारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपके आशीर्वाद आज हमारे नव निर्वाचित महापौर और नव निर्वाचित 80 पार्षदों का सम्मान समारोह के साथ साथ उनको शपथ ग्रहण समारोह था। आज इस अवसर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी उपस्थित थे, भाई साहब बीएल वर्मा जी उपस्थित थे, केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के मंत्री धर्मपाल जी थे और सभी विधायक, सभी एमएलसी, सभी अध्यक्ष, सभी लोग उपस्थित थे। सभी ने जनता का आभार व्यक्त किया कि आपने जो वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी का कमल दोबारा फिर खिलाया, इसके लिए जनता का आभार व्यक्त किया। और ये कहा गया है कि हमारे जो काम रह गए हैं वो हम जल्दी पूरे करेंगे, जनता से जो वायदे किए हैं वो हम पूरे करेंगे, जनता की जो सेवा कर सकते हैं वो हमारी पार्टी, हमारी मेयर, हमारे पार्षद ज़रूर करेंगे। ये पहला मौका है जो हमारी पार्टी नगर निगम में इतने भारी संख्या में पार्षदों के साथ जीती है। 51 पार्षद हमारे जीते हैं, बहुत से तो उन जगहों पे हम जीते जहां पहले कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। जनता ने अपार समर्थन हमें दिया है, हम उसके लिए जनता के आभारी हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।